हाय एवरीवन, ओके सो इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच सेज द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज. लास्ट 30 डेज से एक महीने में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है? 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है. इफ़ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन सेम, टेम्परेचर जितना ड्रॉप होता है एक दिन में उतना हर दिन ड्रॉप होता जाता है, राइट, सेम रहता है पूरा 30 डेज के लिए. हाउ मेनी डिग्रीज विल बी टेम्परेचर, विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज, और अगले 10 दिन में टेम्परेचर कितना ड्रॉप होता है वो देखना है. अब हमें क्या गिवन है, टेम्परेचर ड्रॉप कितना हो रहा है? 15 डिग्री हो रहा है. कितने दिन से? 30 डेज से, राइट. तो पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर ड्रॉप इन 30 डेज, 30 दिन में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है? 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ है, राइट. तो हम किस क्या करते थे, एक दिन का निकालते थे टेम्परेचर ड्रॉप इन वन डे. एक दिन का निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा, राइट. 15 डिवाइडेड बाय 30, जब इसको सॉल्व करेंगे 15 ones are 15, 15 twos are 30, तो ये बन गया 1/2 डिग्री सेल्सियस, राइट. एक दिन में 1/2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होता है. इसको पॉइंट पे कैलकुलेट मत करो, ऐसे ही रखो फ्रैक्शन में, राइट. अब हमें और कितने दिन का निकालना है, नेक्स्ट 10 डेज का निकालना है, राइट. देयरफॉर टेम्परेचर ड्रॉप इन 10 डेज, 10 दिन का निकालना है तो क्या होगा, एक दिन का कितना है, 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, राइट. अब 10 से मल्टीप्लाई मीन्स 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, इसको सॉल्व करेंगे 1 10s are 10, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10. तो इसका मतलब टेम्परेचर ड्रॉप कितना हो रहा है 10 डेज में, 5 डिग्री सेल्सियस, राइट. आपका फाइनल आंसर है 5 डिग्री सेल्सियस, राइट. सो दिस वॉज योर 5th क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, शाइना पेस 15,000 एज अ रेंट फॉर 3 मंथ्स. शाइना 15,000 पे करता है 3 मंथ के लिए रेंट, राइट. हमें क्या निकालना है, हाउ मच डज शी पेस फॉर द रेंट होल ईयर, पूरे साल के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा वो निकालना है, राइट. इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम, हर महीने उसको सेम अमाउंट ऑफ रेंट देना पड़ता होगा, राइट. सेम है, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि फर्स्ट महीने उसको 3,000 देना है तो सेकंड मंथ भी 3,000 देना है, थर्ड मंथ भी 3,000 ही देना है, राइट. तो इसमें क्या क्या गिवन है आपके पास, रेंट फॉर 3 मंथ्स, राइट. रेंट फॉर 3 मंथ का रेंट कितना गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, रुपीज़ 15,000 गिवन है. 3 मंथ के लिए कितना देना पड़ता है, 15,000. तो एक मंथ का निकालेंगे हम, राइट. रेंट फॉर 1 मंथ, एक मंथ का रेंट निकालेंगे वो क्या होगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 3. 3 ones are 3, 3 5s are 15, बाकी के 1 2 3 0 वैसे ही रहेगा, 5,000. तो ये आ गया आपका 5,000. तो उसको एक मंथ में कितना पे करना पड़ रहा है, 5,000, राइट. अब हमें कितने का निकालना है, पूरे साल का निकालना है. देयरफॉर रेंट फॉर 1 ईयर मीन्स 12 मंथ हो जाएगा. 1 ईयर का मतलब 12 मंथ हो गया, एक्सक्यूज मी, राइट. 12 मंथ हो गया 1 ईयर मीन्स, तो एक मंथ के लिए कितना देना पड़ रहा है, 5,000, राइट. कितने मंथ का निकालना है, 12 मंथ का, तो 12 से मल्टीप्लाई करो, राइट. 5 को 12 से मल्टीप्लाई, 5 12 60, तो ये आ जाए आपका 60,000. तो उसको पूरे साल में कितना रेंट पे करना पड़ रहा है, 60,000, राइट. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 12.3. इसमें हमने किया क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6. थैंक यू.